Dr. Indu Daya, Assistant Professor in BLMC College, New Delhi. Okay. Namaskar. आज आपके सामने जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, आई एम ऑडिबल? यस. आपके सामने जो मैं टॉपिक आज डिस्कस करना चाहती हूँ वो टॉपिक हमारा है कोठारी कमीशन से रिलेटेड है, जिसमें टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो कंट्रीब्यूशन जो है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्या कंट्रीब्यूशन उस चीज़ का हमारे पास रहा है, या कोठारी कमीशन ने एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर किस किस तरीके के जो हैं इम्प्रूवमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर लेके आए हैं. तो वैसे आप सब ने सुना होगा जो आपका कोठारी कमीशन का एक सिस्टम है कि उन्होंने क्या एजुकेशन के अंदर चीज़ें चेंजेस लाने की कोशिश की है. तो वो कोशिश हम आज उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या हमारा सिस्टम पहले कैसा था और उस सिस्टम में अब क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं. राइट. ओके. तो अभी तक आपने, जैसे हम अगर हम प्रीवियस टाइम में जाएं और हमारा जो प्रीवियस टाइम है उस टाइम के अंदर ये देखें कि वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन और आपका जो है मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, आप प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में आप सब जानते हैं कि किस तरह का सिस्टम हमारा उस टाइम पे था. उस सिस्टम को हम ध्यान में रखते हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं वो चेंजेस पर हम डिस्कशन करेंगे कि वो चेंजेस क्या क्या हैं जो हमारे सिस्टम को एक बेटर सिस्टम बना रहा है, और हमारा आज हम जिस सिचुएशन में हैं, जिस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं वो सिस्टम कोठारी कमीशन की वजह से बहुत हद तक आ चुका है. ओके. तो जो आपका कोठारी कमीशन है वो कोठारी कमीशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो कैसे आया, उस पर हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि वो सिस्टम कैसे आया और क्या हमारे सिस्टम में क्या डिफॉल्ट्स थे, क्या डिफेक्ट्स थे कि जिससे कि इन कमीशन्स की रिक्वायरमेंट पड़ी. तो सबसे पहले हम उसी चीज़ पर फोकस करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोठारी कमीशन से पहले कौन कौन से डिफेक्ट्स उसके अंदर थे. तो वो जो डिफेक्ट्स थे वो क्या डिफेक्ट्स थे उनकी हम उस पर हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे ही कोठारी कमीशन की रिक्वायरमेंट हुई कि ये जो है एक ऐसा कमीशन सेटअप किया जाना चाहिए जो कि हमारे सिस्टम को एक बेटर सिस्टम बना सके, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें थी कि हम अपने प्रीवियस टाइम को देखें और उस एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या डिफॉल्ट्स थे, क्या क्या उसमें डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से इन कमीशन्स की रिक्वायरमेंट हुई. ओके. तो हम उस पर चर्चा करें, तो उस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर एजुकेशन में चेंजेस आने शुरू हुए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टेक्नोलॉजी पर और एग्रीकल्चर पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई. तो ये जो आपके इम्पोर्टेंस किसी एक एरिया को देना, जैसे एग्रीकल्चर पर या साइंस पर या टेक्नोलॉजी पर जो है ज़्यादा फोकस किया, तो उसकी वजह से जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाता है. तो उस टाइम पर एक तो ये चीज़ थी कि एग्रीकल्चर पर, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको दी गई. ओके. सेकेंड चीज़ जो आती है वो ये है कि हमारा जो नेशनल कंस्ट्रक्शन है या जो नेशन है वो कैसे उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, वो कहीं से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था हमारे एजुकेशन से. थर्ड डिफॉल्ट हम ये मान के चल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था एकेडमिक्स पर, वहाँ पर उसमें एकेडमिक्स से अलग कोई और तरह की एक्टिविटीज़ हमारे करिकुलम के अंदर नहीं रखी गई.
जो हमारा स्कूल सिस्टम था या एजुकेशन सिस्टम था उस पे जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो फोकस हमारा एक एकेडमिक्स पर ज़्यादा किया गया। आगे हम और डिफ़ॉल्ट की बात करें तो और बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, जैसे उनमें से एक डिफेक्ट ये भी था कि जो करेक्टर फॉर्मेशन है उस पर भी फोकस नहीं किया गया था। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस चल रहा था वो फोकस हमारा एकेडमिक्स पर था, और जो थोड़े बहुत चेंजेस आए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस वो चेंजेस सिर्फ इसीलिए थे कि एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था, साइंस एजुकेशन पर फोकस किया गया था, टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया था, तो कहीं पर करेक्टर फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही थी, कहीं पर जो है एकेडमिक की बात नहीं हो रही थी। एकेडमिक में हम साथ लेके चलते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी उसके अंदर एड ऑन नहीं की गई थी। तो इसी की वजह से एक कमीशन जो है सेटअप किया गया, कोठारी कमीशन, जो 1964 में सेटअप हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक हम बोल सकते हैं कि आपके कमीशन को सेटअप किया, और वो कमीशन का जो अपॉइंटमेंट थी वो हुई थी 14 जुलाई 1964 को। तो इन डिफ़ॉल्ट्स को दूर करने के लिए और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कमीशन की रिक्वायरमेंट हुई। और जो कमीशन था जिसे हम कोठारी कमीशन कहते हैं, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको ये जनरली पॉपुलर है डीएस कोठारी कमीशन के नाम से। तो डीएस कोठारी कमीशन इसलिए कहा गया क्योंकि जो इसके फाउंडर थे वो डीएस कोठारी थे, जो कि चेयरमैन ऑफ यूजीसी थे। तो उन्होंने एक कमेटी, एक कमीशन सेटअप किया जिसके 17 मेंबर्स और थे, और उन 17 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स जो है फॉरेन एक्सपर्ट्स थे, लाइक यूएसए, फ्रॉम यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस एंड जापान। तो इस तरीके से जो है एक कमीशन की सेटअप हुआ, और इस कमीशन के सेटअप होने के बाद एक रिपोर्ट जो है रेडी की गई, प्रिपेयर की गई, और उस जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट आपकी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, जिसमें ज़्यादातर एजुकेशन के थ्रू कैसे नेशनल डेवलपमेंट लाया जा सकता है, नेशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उस पर बात की गई। 14 जुलाई 1964 को जब इस कमीशन का सेटअप हुआ तो इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई, और वो रिपोर्ट जो है 29 जुलाई 1966 को सबमिट की गई। तो इस तरीके से ये कमीशन जो हमारा 2 ईयर का कमीशन है, इसका टाइम पीरियड है, इसमें क्या क्या चेंजेस जो है लाए गए उन पे हम डिस्कस करेंगे कि टीचर एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। ओके, तो इन इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकती हैं उस पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, फिर हमारी जो अगली चीज़ आती है वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है, हमें उस रिपोर्ट को देखना है कि उस रिपोर्ट में ऐसी क्या डिस्कशन किया गया था या कौन कौन से ऐसे चेंजेस लाने की बात की गई थी, तो वो चेंजेस क्या हो सकते हैं। तो जो ये रिपोर्ट है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। तो जो ब्रॉड कैटेगरीज हमारी थी उनमें किस चीज़ पर चर्चा की गई थी, कौन से इश्यूज़ को, कौन सी प्रॉब्लम्स को फॉलो किया गया था, या कौन सी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने, उनको दूर करने, उनको कम करने की बात की गई थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाई जाए। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है हमारी
इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन। तो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, तो ये हमारा एक एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है कि किस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जाए, कुछ में उसमें जो डिफ़ॉल्ट्स हैं उन डिफ़ॉल्ट्स को कैसे दूर किया जाए और एक एजुकेशन को लाइफ के साथ उसकी जो नीड्स हैं, एक सोसाइटी की जो नीड्स होती हैं, एक कंट्री की जो नीड्स होती हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस होती हैं, उनसे रिलेट करने की बात की गई। तो ये तो था कि एक एजुकेशनल सिस्टम में किस तरीके से चेंज लाया जा सकता है। दूसरा जो कैटेगरी थी जिसमें इस रिपोर्ट को डिवाइड किया गया था, वो रिपोर्ट थी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया जाए। तो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्वालिटी को उसके अंदर रखना ज़रूरी होता है कि कैसे हमारी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन हो पाए, कोई एक यूज़फुल एजुकेशन हो जाए जिससे कि हमारी जो लाइफ है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लाइफ है वो लाइफ एक यूज़फुल लाइफ बन सके और वो अपनी एजुकेशन को बेटर बना सके। ओके, तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया गया कि कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। थर्ड जो इसका पार्ट या कैटेगरी आती है, वो कैटेगरी को हम बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं उसको एक्सपेंड किया जाए। हमारा जो एरिया है एजुकेशन प्रोवाइड करने का, वो एरिया एक लिमिटेड एरिया ना हो, हमारे में एजुकेशन के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सपेंड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर नीड, कि किस किस को किस किस तरह की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें मैन पावर की ज़रूरत है, कितने मैन पावर्स की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी जो है अपॉइंटमेंट की जाए। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई कि उनको इक्वलाइज किया जाए, तो वो जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको सबको एक राइट मिले एजुकेशन लेने का। वैसे जैसे हम अगर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो वहाँ पर जब एजुकेशन सिस्टम था तो वहाँ सबको इक्वल राइट नहीं मिला था। तो हमारी एक जो कंट्री है उस कंट्री के अंदर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, तो उनको सबको राइट है एजुकेशन लेने का, लेकिन उस टाइम में वही एजुकेशन ले पाता था जो कि अफोर्ड कर पाता था, और जो अफोर्ड नहीं कर पाते या किसी का इंटरेस्ट नहीं है या वो एजुकेशन नहीं लेना चाहते तो वो एजुकेशन नहीं ले पाते थे। तो इस तरीके से ये जो हमारी कोठारी कमीशन की रिपोर्ट है वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाई जाए उसकी बात की गई है और कहाँ कहाँ पर वो चेंजेस लाए जाएं जो हमारी एक सोसाइटी के, हमारी कंट्री के रिक्वायरमेंट हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो आपका ये रिपोर्ट है कोठारी कमीशन, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, तो इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्यों कहा जाता है? इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो एजुकेशन कमीशन है ये जनरली, इसका मेन फोकस जो है वो स्कूल सिस्टम पर ज़्यादा रहा है और स्कूल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए और कैसे हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें चेंजेस लाकर। तो जो आपका
एक एजुकेशन सिस्टम है जिस पे कोठारी कमीशन ने बात की, तो वो जो सिस्टम है उस सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड किए गए कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एक जब एक सिस्टम फ्रेम होता है तो उस सिस्टम फ्रेम होने के बाद उस सिस्टम को रन करने के उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करके ही हम अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड भी कहे हैं कि एजुकेशन के जो एम्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। पहले हमारे जो चेंजेस थे वो मेनली फोकस किया जाता था नॉलेज पर, साथ साथ उसकी स्पिरिचुअलिटी पर, रिलीजन पर, जनरली इन पर फोकस किया जाता था। लेकिन जैसे ही हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उसके बाद वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, तो उस डेमोक्रेटिक कंट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे डिफरेंट होंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे चेंज हुए हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो उन्होंने इस चीज़ पे सजेशन दिया कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए। सबसे पहला एम है कि एजुकेशन के थ्रू ही प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है, और प्रोडक्टिविटी लाने के लिए जो क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जा सकती हैं। तो प्रोडक्टिविटी लाने के लिए हमें मेन फोकस करना होगा साइंस एजुकेशन पर, वर्क एक्सपीरियंस और वोकेशनल एजुकेशन पर। साइंस के थ्रू हम जो है एक तरीके से इनोवेशंस ला सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है इनोवेशन हो सकता है। वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं और साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन दे सकते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन भी के थ्रू भी प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव रखा गया वो यही था कि एजुकेशन के थ्रू ही प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है। तो ये हमारे एजुकेशन का एक एम होना चाहिए। नेक्स्ट एम जो उन्होंने रखा है या सजेस्ट किया वो है सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन का मीन्स है कि जब हम किसी एक सोसाइटी में रहते हैं, जब हम किसी एक कंट्री में रहते हैं, तो उस कंट्री के टुवर्ड्स हमारे कुछ जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, वो ड्यूटीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। जब हम उस सोसाइटी से या उस कंट्री से कुछ गेन करना चाहते हैं तो हमारी कुछ वहाँ पर एक हम ये कह सकते हैं कि ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो सोसाइटी हमारी सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन एक हम ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। और नेशनल इंटीग्रेशन कहाँ से हो सकता है, वो स्कूल सिस्टम से हो सकता है। तो जैसे आप सबको इस चीज़ का आइडिया होगा कि पहले जो स्कूल सिस्टम था वो सेम स्कूल सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता था। तो कोठारी कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि एक कंट्री का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। तो ऑल ओवर कंट्री के अंदर एक ही तरह के सिस्टम को फॉलो किया जाना चाहिए। साथ साथ कुछ चीज़ों पर और फोकस किया उन्होंने, जैसे सोशल सर्विस है, NSS है, NCC है, डिफरेंट टीचिंग लैंग्वेजेस हैं, लिटरेचर है, फिलॉसफी है एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। तो इन सारी चीज़ों को भी अपने करिकुलम में एड ऑन करना चाहिए। तो यहाँ से हम एक सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम स्कूल में इस तरह के करिकुलम को फॉलो करते हैं और एक स्कूल सिस्टम को, कॉमन स्कूल सिस्टम को फॉलो करते हैं। जो नेक्स्ट अब हमारा ऑब्जेक्टिव आता है या एम आता है, वो एम है हमारा
एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन भी एजुकेशन का एक एम उन्होंने सजेस्ट किया था। उनका मानना था कि मॉडर्नाइजेशन कैसे हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन हम एजुकेशन के थ्रू ही ला सकते हैं। तो एजुकेशन के थ्रू मॉडर्नाइजेशन कैसे ला सकता है कि एजुकेशन जो एक प्यूपिल है, एक स्टूडेंट है, वो एजुकेशन लेता है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो है चीज़ें इनकलकेट की जाती हैं, डिफरेंट टाइप के एटीट्यूड्स और सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड स्किल्स हैं, वो हम एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स में डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को हम डेवलप कर सकते हैं, स्टूडेंट क्यूरियोसिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को देखें या अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हम एजुकेशन को एक मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं और एक सोसाइटी जो है, एक हमारी कंट्री जो है वो मॉडर्न कंट्री में आ सकती है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव या एम्स की, तो वो एम्स है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे आप जानते हो कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है डेमोक्रेसी हमारे सिस्टम में आई, कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो है डेमोक्रेसी जो है एक हमारे कंट्री का पार्ट है या एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम उसे बोल सकते हैं। तो इस डेमोक्रेसी को भी हमने डेवलप करना है। और ये डेमोक्रेसी कैसे डेवलप हो सकती है कि सबको इक्वल राइट्स मिले, राइट टू एजुकेशन हो सकता है, राइट टू लिव हो सकता है, राइट टू स्पीक हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के हमारे जो डिफरेंट राइट्स हैं, उन राइट्स जो हैं वो एक सिटीज़न को मिलने चाहिए। तो वो सभी कैसे फॉलो हो सकते हैं, वो सभी आपके फॉलो हो सकते हैं डेमोक्रेसी के थ्रू। ओके, नेक्स्ट एम जो उन्होंने सजेस्ट किया वो सजेस्ट एम था सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज भी डेवलप करने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी की भी एक तरीके से प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसका भी जो है एक वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी बननी चाहिए। और डिफरेंट जो हमारी सोसाइटी है उस सोसाइटी में डिफरेंट वैल्यूज़ भी डेवलप की जानी चाहिए। जनरली हम पर्सनल वैल्यूज़ पर बात करते हैं, साथ साथ जो हमारा मेन और अल्टीमेट एम होता है वो हमारा स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर फोकस करता है कि हमें सिर्फ अपना ही नहीं सोचना है, एक सोसाइटी का भी सोचना है। उस सोसाइटी को सोचने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ डेवलप करनी होती हैं, जैसे सोशल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं। तो ये सजेशन भी उन्होंने रखा कि जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए। ओके, अभी तक हमने जो बात की वो सिर्फ इस चीज पे अभी तक डिस्कस किया है कि कोठारी कमीशन क्या था। कोठारी कमीशन ने उनकी जो एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने उसको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया और उस ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद वहाँ पर उन्होंने किस किस जो है इश्यूज को उठाया है, किन किन प्रॉब्लम्स को बताया है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की बात की है और साथ साथ हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन की बात की कि कौन कौन से एम्स ऑफ एजुकेशन उन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो कंट्री है उस कंट्री के उस एजुकेशन सिस्टम के उसके एजुकेशन सिस्टम के जो डिफरेंट एम्स हैं वो क्या होने चाहिए। तो एम्स की बात अभी तक हमने की यहाँ पर। अब हम बात तो रिकमेंडेशंस की है कि उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया और वो रिकमेंडेशन एक टीचर एजुकेशन के फील्ड में
कैसे हेल्पफुल हो सकता है? क्या वो रिकमेंडेशंस हमारे स्कूल सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हेल्पफुल हो सकती हैं? वो हम आगे जाके देखते हैं कि जब हम उनको रिव्यू करते हैं, उस सिस्टम को रिव्यू करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो रिकमेंडेशंस दी गई थी वो रिकमेंडेशंस एक्चुअली फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन थी, ये रिकमेंडेशन हमारी NPE 8 जो है उनमें फॉलो की गई। ओके, तो अब टीचर एजुकेशन के रिलेशन में हम रिकमेंडेशन देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया कि एक स्कूल सिस्टम के अंदर स्कूल कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे दी जाए, और आपकी जो है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ की जो बात की है वो उनसे रिगार्डिंग उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं उनको हम टीचर, स्टूडेंट और स्कूल से रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि टीचर एजुकेशन का फील्ड है तो इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी वो थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मीनिंग है कि जो चाइल्ड है, जो अप टू 14 एज तक का है, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव पॉलिसी है आर्टिकल 45 के अंदर ये चीज़ें मेंशन की गई कि टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, कि 14 ईयर्स तक के जो चाइल्ड है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। जबकि उससे पहले जो आपको प्री इंडिपेंडेंस में बात करें तो वहाँ पर जो अफोर्ड कर सकता है वो एजुकेशन ले सकता था, ठीक है, और सबको इक्वल राइट नहीं था कि वो सभी एजुकेशन ले पाए। लेकिन ये एक रिकमेंड किया गया कोठारी कमीशन के द्वारा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए कि विदाउट कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स के जो चाइल्ड हैं वो एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये उनकी एक रिकमेंडेशन थी। सेकेंड रिकमेंडेशन जो उनकी थी वो थी आपकी स्टेटस ऑफ द टीचर। तो स्टेटस ऑफ द टीचर की बात करें तो हमारे जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था उस पीरियड में अगर हम वहाँ पास में जाके देखें तो देखा हुआ जो टीचर का जो एक स्टेटस होता था, टीचर एक सोशल सर्विस माने जाते थे। और सोशल सर्विस की फॉर्म में अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर की ड्यूटी सिर्फ क्या थी, एज ए पेरेंट, एज ए गाइड, एज ए काउंसलर, वो हर रोल फॉलो करता था। तो लेकिन टीचर के स्टेटस पर बात नहीं हुई कि टीचर का स्टेटस किस तरीके का होना चाहिए, उसकी भी कुछ अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन पर बात नहीं की गई। तो ये जो आपका कोठारी कमीशन है, कोठारी कमीशन ने टीचर के स्टेटस पर एक तरीके से बात की, उनको उनके लिए सजेशंस रिकमेंड किए कि टीचर का स्टेटस किस तरीके का होना चाहिए। तो अब जो बात की जानी शुरू हुई, कोठारी कमीशन ने जो सजेशन दिए उसमें क्वालिफिकेशन, क्वालिटी और करेक्टर फॉर्मेशन पर बात की गई कि वो एक टीचर जो एजुकेशन देगा वो उसके पास क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, वो अप टू क्वालिफाइड होना चाहिए और उसका एक करेक्टर होना चाहिए। तो इस तरीके से उन स्टेटस पर बात की गई। सेकेंड जो डिस्कस किया गया, सजेशन हम कह सकते हैं, सजेशन दिए गए वो उनके पे स्केल से रिलेटेड दिया गया कि जो पे स्केल है वो उनका गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो आपके टीचर्स हैं उनके पे स्केल शुड बी सेम होना चाहिए। थर्ड जो सजेशन था वो था टीचर्स के स्टेटस से रिलेटेड कि
एक ऐसा बोर्ड, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर शुड बी एस्टेब्लिश्ड, कि एक स्टेट बोर्ड बनाया जाए और वो हर एक स्टेट में अंदर, एवरी स्टेट जो है, स्टेट बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाए। ओके तो ये कुछ चीज़ें डिस्कस की गई, ये सजेशन दिए गए कि हमारा जो टीचर है, जो मेन एक एजुकेशन सिस्टम के जो पार्ट है, जिसमें एक पार्ट आपका स्टूडेंट है, दूसरा टीचर है और तीसरा एनवायरनमेंट है, तो इनमें से जो एक पार्ट टीचर है उसके स्टेटस पर भी फोकस किया गया और उससे रिलेटेड कुछ जो सजेशंस हैं वो सजेशंस रखे गए। अब आगे जो एक तरीके से रिकमेंडेशंस उन्होंने दी हैं, वो रिकमेंडेशंस किससे रिलेटेड हो सकती हैं? जब हम अपनी रिपोर्ट, या जो डीएस कोठारी जी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उस रिपोर्ट की जो थर्ड कैटेगरी थी उसमें ये बताया गया था कि जो एजुकेशन है उसको इक्वलाइज किया जाए, कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को इक्वलाइज किया जाए, तो सभी को राइट है एजुकेशन लेने का। और अगर हम पास में जाते हैं तो वही चीज़ें आ जाती हैं कि जो अफोर्ड कर पाता है, जो रिच पीपल हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो लोग एजुकेशन ले पाते थे और बाकी एजुकेशन नहीं लेते थे। या हम एक तरीके से अपने सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में भी सभी को एजुकेशन लेने का राइट नहीं था, और जो सर्विस क्लास थी उसको एजुकेशन लेने का राइट उस टाइम में नहीं था। तो अब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई कि सभी इक्वली एजुकेशन ले सकते हैं, सबको इक्वल राइट है, वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ एरियाज हैं, कुछ रीजनल इम्बैलेंसेस भी एजुकेशन सिस्टम में हमारे थे, तो उन रीजनल इम्बैलेंसेस को और एजुकेशन फैसिलिटीज़ को एक तरीके से करेक्ट किया गया और एक अप्रोप्रिएट और गुड एजुकेशन क्वालिटीज़ या सॉरी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। सेकंड चीज़ जो आती है वो ये है कि कॉमन स्कूल सिस्टम को फॉलो किया गया। तो कॉमन स्कूल सिस्टम फॉलो करने के लिए एक तरीके से सोशल कोहेशन और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया गया, जिससे कि इस सिस्टम को फॉलो करके नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा सकता है, कि सभी को इक्वली राइट है, वो एक ही तरह का सेम टाइप का जो है एजुकेशन ले सकते हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को इक्वलाइज करने के लिए हमारी जो सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल का जो एक तरीके की बायसनेस थी, कि आपने एंशियंट टाइम में देखा होगा कि गर्ल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, तो इस टाइम पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए जो है गर्ल एजुकेशन पर एम्फेसाइज किया गया कि उनको भी इक्वली राइट है एजुकेशन लेने का और उन्हें इक्वली एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाएं, तो गर्ल एजुकेशन पर भी उन्होंने फोकस किया। साइड बाय साइड उन्होंने जो है बैकवर्ड क्लासेस और ट्राइबल पीपल हैं उनके लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की और उससे रिगार्डिंग सजेशंस रखे, कि जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं एजुकेशन नहीं ले पाते, या जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं वो अगर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं तो उनको भी एजुकेशन लेने का राइट है। तो एजुकेशन की जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलनी चाहिए और उनको इक्वल राइट है एजुकेशन लेने का। तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ में सिर्फ अभी तक हमने बात की वो कि गर्ल एजुकेशन पर फोकस किया गया है, और जो है आपकी ट्राइबल एरिया या बैकवर्ड जो एरिया है वहाँ पर
जो है एजुकेशन पहुंचाने की बात की गई है कि एजुकेशन देनी चाहिए, साथ पे साथ जो है एक कैटेगरी को और इसमें इन्वॉल्व करने की बात की गई कि जो फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको इक्वली एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग एक ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स डेवलप किए जाने चाहिए कि वो जो चाइल्ड फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप्ड हैं वो एक रेगुलर क्लास या रेगुलर स्कूल में एजुकेशन ले सकें। तो रेगुलर स्कूल में एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जो हैं उनको प्रोवाइड की गई। एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब हमारा स्कूल सिस्टम वर्क करता है तो उस स्कूल सिस्टम को वर्क करने के लिए एजुकेशन का एक मीडियम होता है कि किस मीडियम को फॉलो करें जिससे कि वो अपनी एजुकेशन ले सकें। तो मीडियम को फॉलो करने के लिए हमें लैंग्वेज पॉलिसी पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा और स्टूडेंट जो है एजुकेशन किस मीडियम में ले सकते हैं। तो इसके लिए ये डिसाइड किया गया, ये सजेशन इसके अंदर रखा गया कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पर बात की गई, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए कि वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए। और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का मीनिंग क्या है या व्हाट इज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, अगर उसमें बात करें तो सबसे पहली चीज आता है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो आपकी मदर टंग होनी चाहिए, मदर टंग और रिलीजन लैंग्वेज, या आपकी कोई रिलीजन लैंग्वेज है जिस रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, सॉरी रीजनल लैंग्वेज। ओके, तो रीजनल लैंग्वेज किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज क्या है या वहाँ की जो मदर टंग क्या है वो हमारी एक फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। और इस फर्स्ट लैंग्वेज को लोअर प्राइमरी स्टेज पर कंपल्सरी फॉलो किया जाना चाहिए। सेकेंड चीज है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी और एसोसिएटेड लैंग्वेज इंग्लिश शुड बी एडेड एट द हायर प्राइमरी स्टेज। फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो हमारी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए लोअर प्राइमरी लेवल पर, और जो अपर प्राइमरी लेवल है या हायर प्राइमरी लेवल है उस पर हिंदी और एसोसिएट लैंग्वेज इंग्लिश को ऐड किया जाना चाहिए। और जो थर्ड लैंग्वेज की बात है वो थर्ड लैंग्वेज क्या है कि थर्ड लैंग्वेज आपकी मॉडर्न और यूरोपियन लैंग्वेज होनी चाहिए, मॉडर्न इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज, इन दोनों में से एक होनी चाहिए। तो ये आपकी जो लैंग्वेज है या थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किस स्टेज पर कब फॉलो किया जाएगा, इन सारी चीज़ों का सजेशन उन्होंने अपने इस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर रखा है कि इस लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो किया जाना चाहिए। ओके, एजुकेशन स्ट्रक्चर आगे जो उन्होंने सजेशन दिया है वो सजेशन है आपका एजुकेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि एजुकेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। एजुकेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, एजुकेशन स्ट्रक्चर की एजुकेशन कैस का प्रोसेस कैसे चलेगा, एजुकेशन कैसे दी जाएगी, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, तो किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और वो किस लेवल तक प्रोवाइड की जाए। तो स्कूल सिस्टम के अंदर जो जनरल एजुकेशन की बात की गई कि जनरल एजुकेशन शुड लास्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए जनरल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जिसमें 4 ईयर लोअर प्राइमरी,
3 ईयर हायर प्राइमरी एंड 3 ईयर लोअर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। जैसे हमारा हमने बात की थी कि एजुकेशन सिस्टम जो है कॉमन एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाएगा। जो कॉमन एजुकेशन सिस्टम था वो हमारा 10+2+3 का सिस्टम था, तो उस सिस्टम के अंदर एजुकेशन को कैसे डिवाइड किया कि 10 ईयर की जो एजुकेशन है वो जनरल एजुकेशन रहेगी, उसके बाद आपकी 2 ईयर हायर एजुकेशन होगी और 3 ईयर जो है आपकी जो है कॉलेज या उससे आगे की एजुकेशन होगी। तो यहाँ एजुकेशन के स्ट्रक्चर पर बात की गई कि जनरल एजुकेशन कब तक दी जाए, कैसे दी जाए। दूसरी चीज़ जो है जनरल एजुकेशन जो है प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट होगी, तो जनरल एजुकेशन को जब स्टार्टिंग की जाएगी वो हमारी प्राइमरी और प्री प्राइमरी एजुकेशन से होगी, प्री प्राइमरी एजुकेशन से। और जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन 2 ईयर्स के लिए फिक्स की जाएगी कि 2 ईयर्स में हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से एजुकेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड उन्होंने अपने सजेशंस रखे कि एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, जो कि हमारी जनरल एजुकेशन मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट जो चीज आती है वो इसमें आती है आपकी वेट। नेक्स्ट जो सजेशन उन्होंने रखा है वो सजेशन है आपका टेक्स्ट बुक्स और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। तो टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, तो स्टडी मटेरियल एक तरीके से जिसके थ्रू हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो आपका कंटेंट है वो कंटेंट वो मटेरियल कहाँ से आपको लेना है, उसके लिए वर्बली जो टीचर है वो इन्फॉर्मेशन देगा या कुछ रिटन मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्रीवियस टाइम के अंदर अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें तो वहाँ पर आपको ओरल एजुकेशन और रिटन एजुकेशन पर बात की गई थी, लेकिन वो एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं या उस मटेरियल की बात हम करते हैं कि वो मटेरियल जो है किस तरीके का होना चाहिए, वो जो मटेरियल है वो कैसा रहेगा, वो टेक्स्ट बुक के फॉर्म में होगा या किस तरीके के फॉर्म में होगा। तो इस टाइम पे जो बात की गई थी वो ये की गई थी या सजेशन ये रखा गया था कि जो है टेक्स्ट बुक्स प्रोडक्शन जो है वो नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एक इस तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें नेशनल लेवल पर जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको उनके प्रोडक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो हमारा टेक्स्ट बुक का जो प्रोडक्शन है या जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में टाइम टू टाइम डिफरेंट चेंजेस ना लाए जाए, उनको अवॉइड किया जाए कि एक बार जो आपका सिलेबस बन गया या जो आपका जो कंटेंट बन गया है उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। चेंजेस नहीं आने का मीनिंग ये नहीं है कि कभी उसको चेंज नहीं करना है, लेकिन वो चेंजेस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होने चाहिए। जैसे बुक्स एक बन जाती है तो उसके लिए अभी हम 6 मंथ्स में या 1 ईयर में उसको एकदम से चेंज कर दें, ठीक है, तो ऐसे फ्रीक्वेंटली चेंजेस उसके अंदर नहीं आने चाहिए। सेकेंड चीज़, टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो उन्होंने सजेशंस दिए वो सजेशंस एक तरीके से क्वालिटी बुक्स को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी दिए गए कि क्वालिटी ऑफ बुक्स जो हैं वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। साथ साथ बात की गई प्राइसेस ऑफ बुक्स की, जो बुक्स की प्राइसेस है वो भी लो होनी चाहिए जिससे कि जो पुअर चाइल्ड हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इतने हाई कॉस्ट पे बुक्स को तो वो भी इजीली उसको अफोर्ड कर पाए।
और मेन एक चीज़ और उन्होंने सजेस्ट की कि जो कुछ ऐसी कॉमन बुक्स, टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए जिनसे कि एजुकेशन को वो इजीली ले सकें, या जो है टेक्स्ट बुक्स के थ्रू वो ले सकें। टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो हमारी एक ऐसी बुक्स होती हैं जो कि एक प्रिस्क्राइब सिलेबस पर बेस्ड होती हैं। तो मीन्स है कि कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिनमें कि एक डिसाइडेड सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट दिया जाए। तो ऐसे कुछ कॉमन बुक्स भी रखी जानी चाहिए। तो इस तरह के टेक्स्ट बुक्स और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड उन्होंने कुछ अपने सजेशंस दिए कि ये सजेशंस हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी इस तरीके से फॉलो की जा सकती हैं। इन सजेशंस को हम कैसे इनकॉर्पोरेट जो है कर सकते हैं, या हमारे जो नेशनल पॉलिसीज आई थी 68 की, उसके अंदर इन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया। आगे जो हम सजेशंस लेंगे वो सजेशन हमारा है रिलेटेड टू इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मीन्स है कि हमारा असेसमेंट कि स्टूडेंट ने जो कुछ सीखा है, जो कुछ पढ़ा है, उसको इवेल्युएट किया जाए कि उसने कितना पढ़ा है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितना उसने सीखा है। तो उसको जो असेस किया जाएगा, उसको इवेल्युएट किया जाएगा, वो किस तरीके से किया जाए। अगर प्रीवियस टाइम से हम कंपेयर करें तो उस टाइम में ओरल असेसमेंट होती थी, रिटन असेसमेंट भी होती थी, लेकिन प्रैक्टिकल जो है असेसमेंट भी की जाती थी। तो जनरली प्रैक्टिकल असेसमेंट या ओरल असेसमेंट जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो ये चीज़ें इवेल्युएशन के अंदर उन्होंने कुछ सजेशंस रखे। तो वो सजेशंस क्या हो सकते हैं? तो उनका जो सजेशन था वो ये था कि इवेल्युएशन जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका कॉन्टिन्यूएशन में चलना चाहिए। जैसे आपकी जो असेसमेंट होती है या प्रीवियस टाइम में असेसमेंट होती थी, तो वो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होती थी, वो प्रैक्टिकल फॉर्म में होती थी, प्रैक्टिकल वे में हम जो है इवेल्युएशन उस चीज़ का करते थे, वर्बली करते थे। लेकिन रिटन फॉर्म में उस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारे सिस्टम में फॉलो नहीं की जाती थी। लेकिन अब उन्होंने इवेल्युएशन का एक तरीका रखा कि ये जो तरीका है ये कंटिन्यूस होना चाहिए, और जो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को एक तरीके से क्या कर पाए, एक तरीके से उनको फुलफिल कर पाए। तो रिटन एग्जामिनेशन शुड बी इम्प्रूव्ड। रिटन एग्जामिनेशन में भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, और ओरल असेसमेंट को भी फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन ओरल असेसमेंट जो है उसको एक डिफरेंट वेटेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो जो आपकी ओरल असेसमेंट है उसको भी इक्वली एक तरीके से वेटेज दी जानी चाहिए। तो ये सजेशन उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर रखे थे। जो नेक्स्ट सजेशन उन्होंने रखा है कोठारी कमीशन ने, वो है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट को गाइड करना और उसको काउंसिल करना कि आप को क्या करना है और क्या कर सकते हो। तो जैसे आपने प्रीवियस टाइम में देखा, हम बहुत सारी चीज़ों को प्रीवियस टाइम से कंपेयर कर रहे हैं कि प्रीवियस जो हमारा टाइम था, या एंशियंट टाइम था, वैदिक पीरियड, मुस्लिम पीरियड, या जो हमारे जो है बुद्धिस्ट पीरियड है, अगर हम वहाँ से इसको कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो गाइडेंस है और काउंसलिंग है वो सारा जो वर्क होता था वो टीचर का होता था।
जो टीचर है वही गाइड और काउंसिल करता था, तो वो एक तरीके से डिफरेंट रोल प्ले करता था टीचर के, अपार्ट फ्रॉम टीचर तो वो जो है डिफरेंट रोल फॉलो करता था। लेकिन जो आपकी कोठारी कमीशन है, जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं, तो इस एजुकेशन कमीशन ने ये सजेशन दिया कि जो आपके गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो वर्क है वो सेकेंडरी लेवल पर एक गाइडेंस सर्विस की फॉर्म में जो है इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, और उसके लिए एक ट्रेंड काउंसलर की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए। तो ये सजेशन उन्होंने उस टाइम पे रखे अपने इस रिपोर्ट के अंदर कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो भी एक आपका इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए आपके एजुकेशन सिस्टम का। ओके, तो अदर कुछ रिकमेंडेशंस और भी हैं कि उन्होंने किस किस चीज़ से रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि सजेशन दिए थे, जैसे स्कूल बिल्डिंग है, तो स्कूल बिल्डिंग की बात करें तो स्कूल बिल्डिंग पर उन्होंने फोकस किया है कि स्कूल बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए थी। प्रीवियस टाइम पीरियड में आपने पढ़ा होगा कि जो एजुकेशन थी वो कैसे दी जाती थी, किस तरह का एक एनवायरनमेंट था, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन कहाँ पर प्रोवाइड की जाती थी, एक प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग होती थी, या आपने, अगर मैं वहाँ से कंपेयर करूँ इस चीज़ को कि स्कूल बिल्डिंग जहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, तो वहाँ मंदिर में, मस्जिद में, जो है एक तरीके से मठ में, वहाँ एजुकेशन दी जाती थी, वही उनके एक सेंटर ऑफ एजुकेशन होते थे। लेकिन स्कूल बिल्डिंग की बात कि एक स्पेशल एक इस तरह का एक बिल्डिंग होनी चाहिए जहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, तो वो जो बात की गई, वो स्कूल बिल्डिंग की जो बात की गई, उस पर भी फोकस किया है कोठारी कमीशन ने। तो कोठारी कमीशन का जो सजेशन था वो ये था कि अभी तक के जो स्कूल्स हैं वो एक तरीके से अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, वो उन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं जो कंडीशन एक स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर स्टूडेंट बैठकर एजुकेशन ले जाएं। तो और उन्होंने एक न्यू स्कूल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने की रिकमेंडेशन दी कि एक न्यू स्कूल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाए, लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए इस चीज़ के लिए कि वो स्कूल बिल्डिंग जो है इकोनॉमिकल होनी चाहिए और साइड बाय साइड अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशन। तो लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग स्कूल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि जिस प्लेस पर, जिस सिटी में, जिस एरिया में जो स्कूल बिल्डिंग बन रही है वो उसकी लोकल कंडीशंस की नीड को फुलफिल करनी चाहिए, और वो नीड तभी फुलफिल होगी जब वो उस कंडीशन के, वहाँ की लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी। तो कोठारी कमीशन ने स्कूल सिस्टम पर काफ़ी बात की है, साथ साथ उन्होंने कुछ और एस्पेक्ट्स को भी फोकस किया है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस किया है। तो वो जो एस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो एस्पेक्ट्स आपके जिन पर अदर इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस उन्होंने दी है, या उन पे जो है साइंस पे उन्होंने फोकस किया है, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस किया है, एग्रीकल्चर रिसर्च, एडल्ट एजुकेशन, लिटरेसी कैंपेन पर भी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी है। तो जो ये रिकमेंडेशंस हैं, ये रिकमेंडेशंस कोठारी कमीशन ने अपने इस रिपोर्ट के अंदर रखी गई है। साइड बाय साइड उन्होंने कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं वो पार्ट टाइम एजुकेशन और कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन पर भी बात की है कि सेकेंडरी स्कूल में पार्ट टाइम एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, साथ बाई साइड कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज को भी अलाउ किया जाना चाहिए या उनको भी रन किया जाना चाहिए। साथ साथ कुछ कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल और अदर वर्कर से रिलेटेड जो हैं
हो सकते हैं और उनका स्टेटस भी जैसे आपकी जनरल एजुकेशन का स्टेटस है कि फुल टाइम एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इसी तरीके से जो पार्ट टाइम है या कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज हैं, कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज का जो स्टेटस है वो सेम स्टेटस होना चाहिए जो कि जनरल एजुकेशन का है, फुल टाइम एजुकेशन। कुछ और सजेशंस भी रखे गए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की गई कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी उन्होंने फोकस किया और उस पर सजेशन दिए कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैसे होने चाहिए। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक यूनिवर्सिटी का सेटअप किया जाए और उस सेटअप को जो है एक तरीके से उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज और अदर फैसिलिटीज जो है वो डिसाइड की जाएं टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ, कि वहाँ पर स्टाफ का कितने जो स्टाफ है उनकी स्ट्रेंथ क्या है उस पर भी फोकस करना है, लेबोरेटरीज पर भी, लाइब्रेरीज पर भी और अदर फैसिलिटीज हैं उन पर भी फोकस करने की बात की गई है। और न्यू जो है यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करने की भी बात की गई कि कुछ अगर ज़रूरत है तो कुछ न्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी एक तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए। साथ साथ बात किया गया कि जो एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ फंड, कि उनको प्रॉपर फंड जो है एक तरीके से प्रोवाइड किया जाए। और साथ 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 क्या है कि इंश्योर किया जाए कि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन किए जा सकते हैं एक यूनिवर्सिटी के। तो इसी तरीके से यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ साथ न्यू यूनिवर्सिटी का सेटअप करना और उनके जो है स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना और फंड्स को जो है एक तरीके से प्रोवाइड करना, एडिक्वेट अमाउंट में उनको प्रोवाइड करना, ये सब भी उन्होंने सजेशन दिया कि ये सारी चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एट दिस लेवल, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी इम्प्रूवमेंट लाने की बात की है कि किस तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उनके स्टैंडर्ड और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए। तो ये कुछ एक हमने डिस्कस किया कि जो कोठारी कमीशन है जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से या जो नेशनल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने एजुकेशन के सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए जाने चाहिए उन पर अपने सजेशंस दिए, उन पर एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के बाद वो सबमिट की गई। तो ये जो रिपोर्ट थी इसमें जो सजेशंस दिए गए थे, जो रिकमेंडेशंस दी गई थी, वो रिकमेंडेशन हमारी जो कमिंग एनपीई है उसके अंदर फॉलो किए गए। तो आज जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो टॉपिक था आपका सेकेंडरी एजुकेशन, और सेकेंडरी एजुकेशन के टॉपिक में हमने देखा कि जो टीचर एजुकेशन है उसमें सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन किस तरीके से फॉलो किया जाए या उसके अंदर हम क्या क्या चेंजेस लेके आए। तो ये चेंजेस कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं या हम इसके लिए इस चीज़ को देखते हैं कि हमारी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसीज़ में इन रिकमेंडेशंस को फॉलो किया गया था, और आज हम जिस सिस्टम में को फॉलो कर रहे हैं वो सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं कोठारी कमीशन या एनपीई जो है उसके अंदर उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको भी हम फॉलो कर रहे हैं साइड बाय साइड। ओके, आई कंप्लीट माई टॉपिक। एनीवन वांट्स टू डिस्कस विद मी?
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।